कट ले लें कुतुब मीनार का, फिर देखते हैं कितने का है टिकट। तो गाइस आप जैसा कि देख सकते हैं कि इंडियन विजिटर के लिए 40 रुपये टिकट का प्राइस है और फॉरेन विजिटर के लिए 600 रुपये है। भाई अभी ले चुके हैं टिकट और चलते हैं अंदर, और ये टिकट मुझे पड़ा है 40 रुपये का। ऐसा टिकट मिला है मुझे कुतुब मीनार का। तो भाई ये है एंट्री गेट कुतुब मीनार का, और बहुत ही प्यारी जगह है, और अगर आप भी आना चाहते हैं घूमने के लिए तो आ सकते हैं। वहाँ पे देखिए सारे दरवाजे बने हुए हैं, यहाँ पे लिखा है मुग़ल बागीचा, मुग़ल मस्जिद, मुग़ल सराय। चलते हैं अंदर। ये रहा अपना कुतुब मीनार, ये मुग़ल बागीचा। तो ये देखिए भाई, ये है मुग़ल दरवाज़ा। बहुत ही प्यारा डेस्टिनेशन है गाइस, आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे सर दीवाले बनी हुई हैं, मुग़ल कालीन की दीवाले हैं ये। मान जी ब्लॉग बनाना है तो यहाँ पे आई थिंक मकबरा टाइप का बना हुआ है कुछ। चलते हैं पहले उधर और देखते हैं क्या है उधर। ये देखिए पुराने ज़माने में यहाँ पे चिल करते थे राजा महारानी, राजा एवं रानियाँ आके। ये मुग़ल बागीचा है पूरा, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे सैनिक वगैरह खड़े रहते होंगे और रानियाँ यहाँ पे टहलती होंगी। देख सकते हैं आई थिंक ये बैठने उठने की जगह है। खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ पे लिखा हुआ है खलजी द्वार परिवर्धन एक्सटेंशन बाइक खलजी कुतुबा कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसे खिलजी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया होगा, खिलजी वंश का कोई शासक होगा आई थिंक। मुझे भी उतनी नॉलेज नहीं है, बट जितनी है उतनी बता रहा हूँ। बने रही मेरे इस वीडियो में, हम आपको एक एक चीज़ करके सारे कुतुब मीनार का जो भी है मकबरा और आसपास की ये कुतुब बागीचा सारा मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो बने रही मेरे इस वीडियो में। इतनी सुंदर नज़ारे भाई साहब, मज़ा आ गया देख के। मीनार का बहुत ऊंचा है ये कुतुब मीनार, 72.2 मीटर का है। उसका लुक देखिए, अभी तो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, धूप है इसीलिए। 238 फीट ऊंचा। ये है मुग़ल बागीचा, ये छोटा सा यहाँ पे मकबरा। ये शायद कुआं लग रहा है, देखते हैं क्या। इसमें बहुत सारे कबूतर हैं यार, आई डोंट नो कैमरा में जस्टिफाई हो रहा है। ये बावली है, बावली। तो प्राचीन काल में कुएं को बावड़ी कहा जाता था, बावली। तो ये बावली, बावली में आई थिंक पानी नहीं है और इसमें कबूतरों का खाना है, ये इसमें कबूतर भरे हुए हैं। आइए चलते हैं आगे, कुछ एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए मुग़ल बागीचा यार, उस समय में तो और प्यारे लगते होंगे जब रानियाँ इसमें टहलती होंगी और राजा। यहाँ देखिए भाई, गाइस चलते हैं उस लोकेशन पे। आज पूरा कुतुब मीनार एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं, बने रहिए मेरे इस वीडियो में। यहाँ पे फिर से एक कब्रा, ठीक है कब्र। ये लिखा है इल्तुतमिस का मकबरा, टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिस, अलाई मीनार एंड कुवल उल इस्लाम मस्जिद लोह स्तंभ। यार इसके हिसाब से तो इल्तुतमिस का मकबरा यानी टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिस ये है सामने, यहाँ पे एरो दिखा रहा है इसमें। तो ये जो है तो इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। एंड यहाँ पे यानी इस साइड में दिखा रहा है अलाई मीनार
तो इधर अभी चलेंगे हम लोग, और इधर कुवल उल इस्लाम मस्जिद एंड लॉ स्तंभ इधर दिखा रहा है। तो पहले अलाई मीनार को एक्सप्लेन करते हैं, चलते हैं अलाई मीनार की तरफ। ये देखिए अशोक के पेड़ कितने प्यारे लग रहे हैं। तो गाइज ये है अलाई मीनार, गाइज आर ऑसम यार। आई थिंक कैमरे में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है जितना कि मुझे रियल में आ पाएंगे तो उतना एंजॉय करेंगे। यहाँ पे रियल में जितना जस्टिफाई हो रहा है मुझे, जितना अच्छा दिख रहा है उतना शायद कैमरे में ना दिख पाए। ऑसम प्लेस यार, ऑसम प्लेस, चलते हैं आगे। तो गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है अलाई मीनार, जो कि 1311 ईस्वी में बनाया गया था। इसमें सब दिया हुआ है कि 1296 से 1316 ईस्वी तक इसका मीनार, अर्धनिर्मित मीनार नामकरण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कुवतुल्लाह मस्जिद के आकार के 2 गुना करवाया था विस्तृत। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आज हम लोग आए हैं, आज मैं आया हूँ कुतुब मीनार को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या यहाँ पे हम कौन सी जगह पर घूम सकते हैं। और ये है मीनार, और यहाँ पर मुग़ल शासकों ने बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया हुआ है, जो कि काफ़ी अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे। तो आइए चलते हैं आपको और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और आगे। यार ये जो लुक है वो कहीं नहीं मिलेगा यार, बिलीव मी यार। इधर तो कुछ खास नहीं है, वही बागीचा वगैरह है जहाँ पे आप फोटो वगैरह खिंचा सकते हैं। तो चलते हैं उधर से घूमते हुए, फिर उधर जाएंगे। अद्भुत नज़ारे और एक नंबर की चीज़ है भाई साहब, यहाँ आप देखिए गुलाब, सो प्रिटी। क्या एक्सप्लेन करूँ यार, भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास बहुत ही दार्शनिक है। आप यहाँ पे आएंगे तो खुद को एक अलग ही फील पाएंगे, खुशनुमा माहौल हर तरफ यार, भारत जैसी पूरे वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है यार। भाई साहब आई डोंट नो ये क्या है, पर मस्जिद जैसा ढांचा बनाया हुआ है, आई थिंक बैठने उठने वाला स्थान होगा यार। तो गाइस बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर चुका हूँ मैं, और अभी चलते हैं उधर हुमायूं का मकबरा देखने। आई डोंट नो मस्जिद की क्या, वो कुतुब मीनार में लास्ट में चलेंगे, देखेंगे क्या है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में, और भी दिल्ली में जो चीज़ भी एक्सप्लोर करने लायक होगा मैं करूँगा। और हाँ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को भी लाइक करते रहना, शेयर कर देना यार। मॉन्यूमेंट्स हैं और ये है टॉम्स। तो यार ये मकबरा है, यानी कि टॉम्ब है, इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश का मकबरा 1211 से लेकर 1236 ईस्वी के बीच में मुस्तफ़ा मसीह का निर्माण कराया गया था, और ये नई दिल्ली में है। इसमें ये वाला गुंबद है जो कि अस्तित्व का सुझाव देते हुए, तो ये है टॉम्ब भाई साहब, काफ़ी प्यारा लुकिंग है यार। यार इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। तो यहाँ के पत्थर देखिए भाई साहब, क्या क्वालिटी है इनकी। जी यहाँ पे ये देखिए भाई साहब लिखा है इल्तुतमिश का मकबरा, जो कि 1235 ईस्वी में बनवाया गया था सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद। टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश, ये है कुछ बाहर से इसका नज़ारा, चेक आउट करिए यार कुतुब मीनार। कुवतुल्लाह इस्लाम मस्जिद है,
इसमें कुछ हिंदू मंदिर के भी ढांचे बनाए गए थे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ, हिंदू मंदिर टाइप के डिज़ाइन यहाँ पे लगा होगा। बट यहाँ पे मुग़ल शासकों ने इसको मस्जिद का ऊपर से रोक दे दिया। तो अभी पीछे से इधर से बगल से इधर से बगल से जाके और आगे से इसको एक्सप्लेन करेंगे, बाकी आगे चलते हैं। अभी कुतुब मीनार के सारी जगह मैं एक्सप्लोर करूँगा, सारे स्थान, कुतुब मीनार की खतरा और दरवाजे यहाँ के सारे कुछ मैं एक्सप्लोर करूँगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल। तो इधर आगे आते हैं, तो ये जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है खिलजी का मदरसा और खिलजी का मकबरा। तो ये जो है गाइस, ये खिलजी का मदरसा है, इसकी लुक देखिए। चलिए आइए देखते हैं इसको। वहाँ पे मैंने इल्तुतमिश का मकबरा देखा, हम लोग खिलजी का मकबरा देखा, अब खिलजी का मदरसा देखेंगे। आइए चलते हैं, एक मिनट। तो ये आप देख सकते हैं भाई साहब, खिलजी का मदरसा। यहाँ पे अलौकिक पत्थर लगाए हुए हैं जो कि खुद में ही एक अलग अपना अस्तित्व रखते हैं। यहाँ पे कबूतर बहुत है यार, आई थिंक मुगल कालीन में भी कबूतरों को बहुत पाला जाता था, बहुत प्यार। देखिए गाइस, मदरसा है जिसमें उस कालीन में, मुगल कालीन में पढ़ते होंगे, पढ़ाई होता होगा यहाँ पे, मौलवी वगैरह पढ़ाते होंगे, शिक्षा देते होंगे। और ये सारे रूम एक टाइप से हैं आई थिंक, अलग अलग शेप में। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 दरवाजे हैं यहाँ। यहाँ पे अभी प्रवेश करते हैं, देखते हैं। ये देखिए पीछे गार्डन समय में जो होता है। तो ये देखिए गाइस, ये एक आगे सामने से उधर का दरवाज़ा, बाहर और अंदर उस साइड से उस साइड जाने के लिए। पीछे पीछे का लोकेशन दिखा रहा हूँ। यार इतने मजबूत मजबूत पत्थर, थोड़ा मारने पे भी नहीं टूटेगा। इस टाइप के पत्थर हैं, उस समय में सोचिए ईंट नहीं हुआ करती थी, पत्थर को ही दीवार बनाया जाता था। और ये दीवारें जो होती थी इतनी मजबूत होती थी कि ये तोप से भी नहीं टूटती थी, बम बारूद गोले से भी नहीं टूटती थी जल्दी। इतने मजबूती से इन्हें बनाया जाता था कि इनकी क्वालिटी बहुत ही स्ट्रांग होती थी उस समय। उस समय का सीमेंट जो होगा वो भी बहुत मजबूत रहता होगा। वहाँ देखिए गाइस। तो दोस्तों ये कुछ नज़ारे हैं, सीन हैं कुतुब मीनार के। चलिए अभी उस साइड चलते हैं, देखते हैं क्या है पीछे। तो कुतुब मीनार के पीछे का नज़ारा, धूप में आया, धूप में तैयार है। तो यहाँ पे लिखा है खिलजी टॉम, यानी खिलजी का मकबरा। ये जो है खिलजी का मकबरा है। सीढ़ियों की क्वालिटी देखो यार, क्या मजबूत क्वालिटी है। ये बड़े बड़े स्तूप, ये देखिए। चलते हैं भाई, क्या है इधर देखते हैं भाई। ये है मुगल बागीचा, कि यहाँ से ढलान में गया हुआ है ये नीचे की तरफ। चिल करने में बहुत मज़ा आएगा। तो भाई अभी वहाँ पे जो दिख रहा है वो है अलाई दरवाज़ा, ये वाला। बोल क्या है कि आ रहे यहीं से कौन। ये चारों तरफ से जो है वो अलाई दरवाजे हैं। यहाँ पे फिर लिखा हुआ है खिलजी का मकबरा, ये जो है खिलजी का मकबरा है। और ये मदरसा है,
मदरसे का सामने। हाँ भाई, उस टाइम में इसमें से पानी बहता होगा नीचे नीचे से, और वो पुल बनाया गया होगा अलाई दरवाजा यहाँ से। ये सारे अलाई दरवाजे चलते हैं सीढ़ी की तरफ। वहाँ से मैं चल के आया हूँ। तो ये रहा फाइनली कुतुब मीनार, 236 फीट वाला। मैं फोकस कर दे रहा हूँ और नज़दीक चलते हैं। ये अलाई दरवाजा के साइड वाला सीन है, जो कि कुतुब मीनार के साइड में पड़ता है। ये देखिए उर्दू में क्या लिखा है, आई डोंट नो। आई डोंट नो उर्दू यार। क्या डिजाइन है यार, क्या कारीगर रहते होंगे उस समय में। ये देखिए है मेरे पीछे कुतुब मीनार। और इसके साइड्स लुक साइड वाले, अभी चलते हैं इस साइड और देखते हैं क्या है। तो यहाँ का तो अपने सीन देख लिया, फिर अभी उधर बाद में चलेंगे, क्योंकि वो उधर एग्जिट वाला गेट है। तो चलते हैं। तो ये है अलाई दरवाजे के अंदर का सीन। इसमें चार दरवाजे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है मॉस्क्यू यानी मस्जिद। तो ये है यहाँ पे बैठ के पढ़ते होंगे बच्चे नमाज वगैरह उस समय, आई थिंक। अरे 4:15 जब पूरी बीच में आ जाएगी यहाँ तक तो पूरे 4:30 हो जाएंगे, फिर इधर तक मिलते पूरे 5 बज जाएंगे ऐसे। तो गाइज ये एक धूप घड़ी है और मुगल ये घड़ी है क्या। यार ये इतना बड़ा एरिया है कुतुब मीनार का पूरा, कि घूमते घूमते थक गया हूँ। तो थोड़ा सोचा कि यहाँ ब्रेंच पे बैठता हूँ और फिर थोड़ी देर बाद एक्सप्लोर करना चालू करूँगा। मैं भी घूम रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ कुतुब मीनार की। यहाँ पे दिखा रहा है इमाम जामिन का मकबरा अलाई दरवाजा। तो ये इमाम जामिन का मकबरा है यानी इमाम जामिन स्टॉम्स एंड अलाई दरवाजा। तो अलाई दरवाजा तो मैंने आपको दिखाया और ये टॉम्ब है, आई थिंक ये मकबरा है। जी देखो भाई साहब मकबरा, ये मकबरा इमाम जामिन्स का मकबरा है ये। और ये इसके आसपास है लौह स्तंभ की तरफ। ये अपना लौह स्तंभ देखते हैं नजदीक से जाके। आई डोंट नो ये क्या है। वो देखिए वो गुंबद सा बना है, उसमें आई थिंक चाय वाय पीते होंगे ये लोग जाके। आई हैव नो आइडिया।
इधर सैनिक खड़े रहते होंगे इस पे, जैसा कि हम लोगों ने देखा है फिल्मों में, सीरियल में। ये देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है, ये ऊपर से बनाया गया है। ये टहलने के लिए बनाया गया होगा आई थिंक मुगल काल में। ये मकबरे का नज़ारा एक बार फिर से। एग्जिट पब्लिकेशन काउंटर प्रकाशन पटल बेबी केयर रूम यानी शिशु देखभाल कक्ष इधर दिखा रहे हैं। तो हमें इन सब से लेना देना नहीं है, तो हम चलते हैं, सारा सब एक्सप्लोर कर चुके हैं यार। यहाँ कबूतर बहुत हैं और गिलहरियाँ भी बहुत देखने को मिल रही हैं, जो कि मुगल कालीन इंसान होते थे, देश भी इधर उधर पहुँचाते थे। पत्र उन लोग का जो पत्र विचार होता था वो कबूतर ही पहुँचाते थे, और कुछ तीर वगैरह से जाता था। रफ कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, अलाई मीनार, इल्तुतमिश का मकबरा। तो ये सारा चीज़ हमने कवर किया इस वीडियो में। तो ये एक और अलाई दरवाज़ा, और ये मस्जिद, ये है एंट्री गेट। एंड अगर आपको एग्ज़िट करना है तो आप उधर से घूम के जाना पड़ेगा वहाँ पे। दिस इज़ द एग्ज़िट गेट। तो गाइस अभी हो चुके हैं सैर सपाटे और इस कुतुब मीनार का, जो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो अभी अच्छे से एक्सप्लोर कर चुका हूँ मैं इस वीडियो में, और अच्छे से घूम भी चुका हूँ, और आप भी इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। आई हूँ मैं एग्ज़िट गेट की तरफ जा रहा हूँ, सब देख चुका हूँ, और ये है एग्ज़िट गेट। ऊपर चढ़ के मुगल शासक बैठते होंगे। तो ये रहा क्वाइन, तो ये कर दिए यहाँ पे जमा। ये रहा एग्जिट गेट मशीन के अंदर। अच्छा अच्छा, इतना ही। और अभी घूम चुके हैं कुतुब मीनार, और चलते हैं, कैब बुक करता हूँ और चलता हूँ घर। तो आज के लिए बाय बाय, इतना ही। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।